यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और आज मैं इन सब विधायकों से एक बात पूछना चाहूंगा कि जब उन्हें क्षेत्र से चलते हैं तो उस समय पहले जब आते थे हमारे भी विधायक उस समय थे, हर एक की जेब में 10-10 5-5 अध्यापकों की ट्रांसफर की चिट्ठी जेब में होती थी कि मेरा जाके ट्रांसफर यहाँ से वहाँ करा देना, वहाँ से यहाँ करा देना। हमने आते ही उस पर काम किया। आज 80,000 अध्यापक ऐसा है जो कोई पर्ची नहीं पकड़ाता आपके लिए मेरी ट्रांसफर करा के। विपक्षी मित्रों से ही पूछता हूँ, कोई पकड़ाता है क्या? भर्तियां, उन भर्तियों के कारण से क्या क्या लोग नहीं करते थे। लोग बाग ढूंढते थे कि मंत्री की सिफारिश मिल जाए, मुख्यमंत्री की सिफारिश मिल जाए, कोई बीच में कोई एक दलाल मिल जाए। दलाल शब्द कहते हुए मुझे थोड़ा सा दर्द कठिनाई जरूर होती है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, नहीं, आपका एक नाम है वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक प्रचलित शब्द है इसलिए मैंने बोला। मैं कहता हूं कि आज एक जनता में, युवकों में खास करके विश्वास बना है कि नहीं, अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा। और उन हमारे बंधुओं का जो कोचिंग सेंटर चलाते थे, बेचारे खाली बैठे थे, आज सुबह शाम उनको उनकी जितनी फैकल्टी उससे ज्यादा उनके बच्चे आते पढ़ने के लिए। इसमें कठिनाई आई, हमको पता है कि बहुत लोग नाराज हुए, हमारे अपने भी हुए, क्योंकि पहले की जैसी परंपराएं चल रही थी, सबको लगता था यही सब चलता रहेगा। हमने कहा कि नहीं, ये सरकार बनाई पॉलिटिकल पार्टी ने है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, सहयोगियों ने सहयोग किया, जो भी हमारे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने सरकार बनाने में सहयोग किया है। लेकिन ये सरकार केवल इस पार्टी की नहीं है, ये सरकार पूरी जनता की है, 2.5 करोड़ लोगों की, पूरे हरियाणा की है। जब तक काम करेंगे तब तक सबके लिए, जैसा हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, पूरे हरियाणा को एक। कल हमारे कुलदीप जी इस विषय को कह रहे थे, हरियाणा एक, हरियाणा में एक। हमने दम खम से कहा कि हम इस हरियाणा के अंदर भेदभाव नहीं चलने देंगे, किसी प्रकार का भेदभाव जो पहले किया है सरकारों ने, अब मानेगा कोई नहीं। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें तथ्य होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं। अब जो परसेप्शन है वो है, उस परसेप्शन को ही बनाना होता, तोड़ना होता। एक परसेप्शन बन गया कि पहले जो मुख्यमंत्री आते थे वो अपने अपने जिले की सरकार चलाते थे। कई बार हमारे मनीष जी को भी तकलीफ हो जाती है कि जब आप कहते हो कि रोहतक की सरकार थी, रोहतक में कुछ नहीं हुआ, इसलिए गलत है। मुझे नहीं होता, नहीं नहीं, मेरे नाते से जैसे मैंने आके घोषणा ये की कि पूरा हरियाणा हमारा है। और आज मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने करनाल के लोगों को कहा कि जो विकास पूरे प्रदेश में होगा वो करनाल में होगा। अपने आके कोई कर जाए मैं नहीं कह सकता, कोई मुझे ही बिना बताए कोई आता है कहा कि भी यहाँ दो सड़कें फालतू बना दो, मुख्यमंत्री का एरिया है तो बना आएगा। लेकिन मेरी योजना से पूरे हरियाणा में जो विकास के काम होंगे वो सारे करनाल में भी होंगे, करनाल पीछे नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। लेकिन ये सब बातें हमारे परसेप्शन बनी भी है, वो चाहे मैंने 90 विधानसभाओं का दौरा सब आज आज से बोल रहे हैं सारे विपक्षी मित्र भी हमारे कि मेरे क्षेत्र में गए थे, और गए थे तो ये कह के आए थे। अब वो तो वही बताएंगे जो आज कमी बाकी है, जो हो गया उसको तो विपक्ष का मित्र नहीं बताएगा कि कितने कितने काम हो गए, रिकॉर्ड में आज सारे हैं। अच्छा हो कि हम अपने अपने विधानसभा का रिकॉर्ड दिखा बना के यानी निकलवा के देख लें कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना काम हुआ है। अब कुछ सांझे प्रोजेक्ट तो हो सकते हैं, एक नेशनल हाईवे है, अब वो जिन जिलों में जाएगा उन्हीं जिलों में जाएगा, वो कहीं ऊपर से दूसरे जिले में जा नहीं सकता। लेकिन स्थानीय काम ये हमने सब जगह एक जैसी घोषणा की, 4,500 के लगभग, उन दिनों में तो 3,500 जो 2 साल मैंने टूर किया, बाकी 1,000 उसकी अतिरिक्त हुई है। उन 3,500 में से आज 3200 घोषणाएं या तो पूरी हो गई है या उन पर काम चल रहा है। मात्र 300-350 ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल, एक एक लिख करके करेंगे।
अरे जब आप कहेंगे तब करेंगे। और श्वेत पत्र क्या? नहीं नहीं, वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरे मैं कह रहा हूँ वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका कड़ी जरूरत नहीं है।